सीखेंगे पार्ट कार्टूनिया टेंस के जो टेंस दिए थे अफर्मेटिव के, वो अपन को आज क्या करें, अपन को हल करेंगे। जैसे कि पहला टेंस आपके सामने है कि विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे थे, आगे तो हमें पता चल गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो हमें पता है इसमें वाज और वेयर लगता है। अब कहा विद्यार्थी, तो भाई एक नहीं होते स्टूडेंट, स्टूडेंट तो क्या भैया, तो स्टूडेंट वेयर पढ़ना ही आप सब जानते हो क्या होती है, रीडिंग, तो आई एन जी लग जाएगी रीडिंग। अब कहाँ पढ़ने हैं, इन द क्लास, इन द क्लास कक्षा में, तो इन द वेरी गुड, इन द क्लास। बताओ किसी को दिक्कत हो तो बताओ, क्या हमें इससे परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा टेंस है, वह गांव को पैदल जा रहा था, वह गांव को पैदल जा रहा था। तो संजना बताएगी वह एक वचन है कि बहुवचन, वेरी गुड, तालियां एकदम। पता नहीं चलता कितने तेजस्वी बच्चे आते कहाँ से हैं। वैसे कहाँ पढ़ती हो तुम, हैं? वे बहुवचन होता कि एक वचन, क्या होता है वही की मीनिंग का बच्चा, ही मतलब एक वचन, तो एक वचन के साथ लगाएंगे वॉज। अब जाना है क्या होती है, आप सब जाते गोइंग, गोइंग टू, अब कह रहा पैदल गांव को पैदल, तो पैदल क्या कर रहा, रोड पर चल रहा है, तो पैदल ही क्या होती है, ऑन फुट, क्या लिखेंगे, ऑन ऑन फुट, कहाँ जा रहा है, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं। तीसरा टेंस कह रहा, मेरा भाई समाचार पत्र पढ़ रहा था, मेरा भाई मतलब मेरे ही भाई क्या कर रहा है, समाचार पत्र पढ़ता है, एक वचन में लेते तो लिखेंगे माय ब्रदर वॉज, पढ़नाई क्या होती है, उसमें क्या लगा देंगे, तो रीडिंग। अब भाई समाचार पत्र पढ़ रहा है तो क्या लेंगे, न्यूज पेपर, देखो तुम्हारी बहन खाना बना रही, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन क्या है, बहुवचन क्या है, तो क्या लेंगे, योर सिस्टर, बहुवचन तो क्या लगेगा, वेयर। अब बनाना ही सब जानते क्या होती है, कुकिंग, क्या बना रही है, किसी को दिक्कत। अब आ गया बड़ई, अब बताएंगी संजना क्या बड़ई एक वचन है क्या बहुवचन, बड़ई क्या है, एक वचन, जी उल्टे सीधे कमेंट ना करो, इतने घलेंगे साले कि लाल हो जाओ, क्या हो जाओगे, क्या हो जाओगे, हाँ तो लाल करने में टाइम नहीं लेंगे हम। क्या लगा, बड़ई अपना काम कर रहा था, क्या कर रहा था, अपना काम कर रहा था, तो आप सब जानते बड़ई एक ही है, तो अपना काम कर, तो क्या ले, कारपेंटर, सी आर पी एन टी आर, तो कारपेंटर, कारपेंटर क्या कर रहा, अपना काम कर रहा है, काम करना ही क्या होती है, एक वचन के साथ क्या लगे, चले बहुत, और काम करना ही क्या होती है, डूइंग, किसका कर रहा, अपना कर रहा, तो हिज वर्क, क्या होगी बच्चा, हिज वर्क। ऐसे अपन ने बहुत आसानी से टेंस सीख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन के नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। जैसे कि छठवां प्रश्न आपके सामने के बच्चे खेल रहे थे, तो संजना देवी से फिर से पूछा जाता है, बच्चे एक वचन है कि बहुवचन, वेरी गुड, बहुवचन, इसीलिए क्या है जी, इसमें क्या लगेगा, बेयर, क्या लगेगा, तो लिखेंगे चिल्ड्रन, सी एच आई एल डी आर ई एन, चिल्ड्रेन, बहुवचन तो क्या लगेगा, बेयर, और खेलना ही क्या होती, अबे गधियों, जब हम क्या चाइल्ड मतलब होता बच्चा, चिल्ड्रन मतलब ही बच्चे होते हैं, वो बहुवचन है, क्या है, इसमें ऐसे ही ऐसे नहीं लगता है, स्टूडेंट में लग जाता है, ठीक है, चिल्ड्रन क्या है, बहुवचन है, क्या है, चाइल्ड का चिल्ड्रन क्या है, बहुवचन है। अब तुम्हें क्या करें, बहुवचन बनाना भी सिखा देंगे, परेशान नहीं हो। देखो जूही हंस रही, जूही हंस रही, तो अब जे बताएंगे श्रीमान, बताओ जूही क्या होता है, हर्ष, एक वचन है क्या बहुवचन, हाँ क्या है, एक वचन, क्योंकि नाम है, तो लिखेंगे जूही, क्या लिखेंगे, जूही, वॉज, हंसनाई क्या होती है, लाफिंग, लाफिंग गैस कौन सी होती है, नाइट्रिक्स ऑक्साइड, ठीक है। आठवां प्रश्न आपके सामने के, बे नदी में तैर रहे, बे नदी में तैर रहे, तो अब तुम बताओगे एक वचन है कि बहुवचन, हर्ष, क्यों, तुम बताओ, इसको पता नहीं, बताओ, बे एक वचन होता है बहुवचन,
क्या होता है? बहुवचन। तुम बताओ उसको। एक वचन होता है बहुवचन? बहुवचन होता है। क्या होता है? बहुवचन। तुम बताओ क्यों होता है बहुवचन? बे है। कौन बे है? ये लापता है, इनका पता ही नहीं ये कौन है, ठीक है, इसीलिए ये क्या है? बे। तो देखो दे, दे। फिर बेयर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? और तैरनाई क्या होती है? एस डब्ल्यू आर डबल आई डबल एम आई। स्विमिंग कहाँ करते हैं अपन? घर में? नहीं। तो नदी में? ऊपर ऊपर के अंदर अंदर? ऊपर अंदर। ठीक है इंदा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसको दे वेयर स्विमिंग इन द रिवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, माली फूल तोड़ रहा था। माली फूल तोड़ रहा था, तो बताइए काजल, माली एक वचन है क्या बहुवचन? माली क्या है? मीनिंग क्या? जी ए आर डी ई एन ई आर। गार्डनर वॉज क्या कर रहा? प्लिकिंग कर रहा, पी एल ए सी के आई एन जी। प्लिकिंग मतलब थोड़ा ना, पी एल यू सी के, वेरी गुड, पी एल यू सी के। तो प्लिकिंग, और क्या तोड़ रहा? फ्लावर तोड़ रहा, एफ एल ओ डब्ल्यू। किसी को दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है कि कवि कविता लिख रहे थे। अब कवि भाई साहब, तो वो कभी बहुत सारी क्या होते? पोएट होते। तो पोएट वेयर, ठीक है, क्योंकि कभी कविता लिख रहे थे, कभी कविता लिख रही थे कि लिख रहा था, तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो पोएट वेयर लिखना ही क्या होती है? डब्ल्यू आर आई डबल टी एन जी, राइटिंग पोएम। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? तो ऐसे पूरे टेंसों को अपन ने कंप्लीट कर ले हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या सीखेंगे? निगेटिव सेंटेंसों को बनाना। तो आज यही वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।